उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन इस बार का ये चुनाव कहीं ना कहीं रैलियों से होता हुआ नहीं गुजरेगा। डिजिटल रैलियां होंगी, डिजिटल संबोधन होगा, और ऐसे में जो राजनीतिक दल हैं वो किस तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय पार्टियां कहलाती हैं और उन्हीं में से एक है SBSP। SBSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे, सरकार से नाराज हुए, उसके बाद वो अलग हो गए और अब वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलके उत्तर प्रदेश से बीजेपी को खदेड़ने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त ओपी राजभर जी खुद मौजूद हैं। सर, चुनावों की तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि बीजेपी के पास तो पूरा अमला है डिजिटल को लेकर, डिजिटल रैलियों को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, हम लोकसभा चुनाव के बाद हम फिजिकल रैली से तैयारी कर चुके हैं, और वर्चुअल रैली देखना हो तो पार्क रोड पर चले जाइएगा। हमारे सब 2 साल से IT सेल के लोग काम करते हैं और पूरे जिले में हम लोगों ने अपना सेटअप बैठा रखा है, और जनता को जो बताना चाहिए, हम लोग जातिवार जनगणना 6 महीने के अंदर कराएंगे। मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही अखिलेश यादव जी 300 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा करेंगे, घरेलू बिजली का बिल माफ होगा, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा प्रदेश में लागू करने की तैयारी होगी, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होगी, जो योगी और मोदी जी के ललका साढ़ हैं जिससे किसान परेशान हैं, तो किसान को निजात दिलाना है। नहीं तो योगी जी और मोदी जी के ललका साढ़ कैसे? पिछली सरकारें भी थी, अगर अखिलेश जी के राज में इतने साढ़ थे, बोलिए तो मतलब योगी जी ले आए हैं क्या उनको? तब कौन ले आया है? योगी और मोदी के राज में नहीं साढ़ पैदा हुए थे ना, पहले तो साढ़ होते थे बनारस में साढ़ होता था, उसका नाम बनारसी साढ़ होता था, ठीक है, बनारस में साढ़ होते थे तो उसको लोग बनारसी साढ़ कहते थे। तो अब तो योगी जी और मोदी जी के राज में ये साढ़ आए हैं, तो यही से उनको हम ललका साढ़ कहते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के बहुत से नेता नाराज हैं, कुछ ने आपसे मुलाकात की है, दयाशंकर सिंह के बारे में भी आप बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आज घर घर जाकर के अभियान शुरू कर दिया है, वो अपनी योजनाएं बता रहे हैं, जनता से पूछ रहे हैं कि भैया कितना काम हुआ है, योजना वोजना मिल रही कि नहीं मिल रही, संतुष्ट हो कि नहीं हो। अभी आपको दिखाया ना, ये देखिए इधर टिकट, टिकट के चक्कर में, टिकट के लिए पति पत्नी आमने सामने हैं, ठीक है, वहाँ झगड़ा किए, भाग के हमारे यहाँ आए हैं। अच्छा, कि हमको सरोजनी नगर से लड़ा दीजिए, चाहे अपनी पार्टी से चाहे सपा से। तो हमने कहा भाई बलिया लड़ो, कहा नहीं यहीं लड़ेंगे, तो हमने कहा ठीक है बात करके बताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के तो 1.5 दर्जन मंत्री, आप यहीं रात को आइए 9-10 बजे हमारे यहाँ रहिए, बनेगा खाना खाया जाएगा, 12 बजे से 2 बजे तक देखिएगा कितनी गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि मंत्री जी लोग ऐसे गाड़ी में चलो ना, ये स्थिति मतलब सब छुप छुपा के आ रहे हैं और कहाँ, कोई लखा नहीं, 12 बजे तक सो ही जाता, अब ऐसा गाड़ी से है कि जैसे लगी कि एकदम पुरानी गाड़ी कोई धकेल के लेके आ। अच्छा, ये योगी जी कह रहे हैं कि बहुत सारा काम किया है, सारे मंत्री कह रहे हैं बहुत सारा काम किया, कोनो फर्क पड़ी इसे? आप लखनऊ में रहते हैं ना, पूरे लखनऊ में एक इनका काम बता दीजिए, अगर कहीं मच्छर मार के भी दूहा बनाए हों, मच्छर मार के गड्ढा खोन के पाट दिए हों और उसका एक मजारा बना दिए हों, कहीं दिखता है लखनऊ में? अखिलेश जी का दिखता है, आप 1090 पर खड़ा होइए तो रिवर फ्रंट दिखता है, आप विधानसभा के सामने खड़ा होइए लोक भवन दिखता है, DG ऑफिस चले जाइए तो अखिलेश का काम दिखता है, मेट्रो जो ये ताल ठोकते हैं तो अखिलेश जी उद्घाटन करके तब गए थे, ठीक है, मायावती का काम दिखता है, कांग्रेस का काम दिखता है, ई लोग का कौन काम है बताइए? एक काम लखनऊ में दिखा दीजिए हमको, भाई शहर है ना, इनका दिखना चाहिए ना,
लेकिन यहाँ तो नहीं दिखता है, इनका दिखता का है। वो कह तो रहे हैं कि हमने अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये बनवा दिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की बदौलत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना दिया जाए। ये काहे लोग अपना बताते हैं कि हमने किया, हमने किया। दुनिया में झूठ बोले वाला नेता अगर कोई एक नंबर का हो तो उनका नाम हो माननीय नरेंद्र मोदी जी। अच्छा। दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ जी। तीसरे नंबर का जुमला बोलने का एक नंबर कोई है तो अमित शाह जी। तीनों को सुन लीजिए। मोदी जी ने नारा दिया जनता के बीच में कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, जहाज बेच दिया, बेच दिया ना। 15-15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे कि महंगाई कम करेंगे। कम हुई महंगाई? 2 करोड़ रोजगार दिए, 15 लाख किसी के खाते में नहीं आया। अब दूसरे का सुन लीजिए, दूसरे वाले का। ये हरिश्चंद्र की औलाद है योगी जी, कहते हैं ना बहुत ईमानदार हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में 27% पिछड़ों का, 22.5% शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन योगी जी ने लूटा, योगी जी ने लूटा। और पहले तो कहते थे कि बड़ी पारदर्शिता से हमने भर्ती की है, लेकिन जब बच्चे यहाँ आना शुरू हुए कि हमारा हिस्सा लूटा गया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में बच्चे गए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच किया तो जांच में मिला कि 27% रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं है, इनके साथ धोखा हुआ है। तब आंदोलन शुरू किया बच्चों ने, यहीं लखनऊ में यूको गार्डन में धरना देते थे, योगी जी पुलिस से पिटवाते थे। लेकिन आपके लिए एक और बड़ी खबर आई है, सुनने में आ रहा है कि प्रदेश सरकार में मंत्री हैं स्वयं प्रसाद मौर्य जी, इस्तीफा दे दिए हैं। दे दिए तो बात तो खुली गई। सुनने में आ रहा है कि सपा ज्वाइन करने वाले हैं। 100% सही है, हम तो ये बात आप लोगों को बता रहे हैं, अभी का देख रहे हैं। मतलब डीलिंग आपकी लगभग प्रॉपर चल रही है, और कौन कौन से नाम है? अब देखते जाइए कि कल किसका इस्तीफा होता है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का बुरा दिन चल रहा है। जिस दिन उन्होंने तालाब को समुद्र समझ लिया, समुद्र को तालाब समझ लिया, उसी दिन उनका विनाश का दरवाजा खुल गया। अच्छा, ये कुछ छोटे दल अपने साथ भी लेके आए हैं, कुछ शोषित समाज पार्टी है, कुछ अलग अलग पार्टियां हैं, वो सब पहले आपके साथ थे, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हम आपसे छल गए हैं, इस वजह से हम बीजेपी के साथ चले गए हैं। कुछ बाबूलाल राजभर हैं उसमें, कुछ इस तरह के नाम। 12 पार्टी है, और कुल झोरा वाली पार्टी है, झोला में पार्टी चलाते हैं। उस दिन स्वतंत्र देव पटेल का कार्यक्रम बरहो मिल के रखे, कहाँ जानते हैं? बांसडी बलिया में। एक गाना गाने वाली को वहां बुलाई, इनका कार्यक्रम था। लखनऊ से बलिया तक सिक्योरिटी लग गई, जब पता लगा कि वहां भीड़ नहीं है तो स्वतंत्र देव पटेल का कार्यक्रम कैंसिल हो गया। फिर वहां भेजे गए बेचारे प्रभारी मंत्री राजभर जी, अभी गए तो वहां नाच हो रहा था, कोई डांसर नाच रही थी। 12 साल 10 साल 14 साल के लड़के अपना उसमें हसन हुसैन कर रहे थे, नारा लगा रहे थे। उसी बीच माइक पर अलाउंस होता है कि मंत्री जी आइए अपनी बात रखिए, मंत्री जी खड़ा होते हैं बेचारे। 12 पार्टियों की मीटिंग थी और मंत्री जी खड़ा होते हैं, संबोधन नहीं पूरा हुआ तब तक हुड़दंगई बच्चे शुरू कर दिए, गए खबरदार हम लोग नाच देख रहे आए हैं कि हम भाषण सुनने, बंद करा दिया भाषण। माइक पर ही मंत्री जी बोलने लगे कि हमको बेइज्जत करने के लिए बुलाया था, क्यों बुलाया था यहाँ, और उसके बाद गाना चालू। और मजे की बात, हम आपको दिखा दें वीडियो, स्वतंत्र देव पटेल के तमाम वहाँ होर्डिंगें लगी थी, महिलाएं कपार पर लेके जा रहे थे। जब किसी ने पूछा कि ये कहाँ ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, कहाँ जौन योगी मोदी का सणवा वही के आड़ कर रहा। दिखा दें अभी हम वीडियो, यही तो इनकी झोरा वाली पार्टी है, उसी पर नाच कसते हैं। क्यों इस्तीफा दे दिया, जब भी तो आप बता रहे हैं इस्तीफा दे दिया, क्यों दे दिया? आपके हिसाब से फाइनल रिजल्ट क्या होगा 10 तारीख? फाइनल 10 तारीख को 10 बजे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने का ऐलान हो जाएगा। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे ओपी राजभर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार हवा जो है वो पलटने वाली है और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की साइकिल चलेगी। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ
उलट पलट रहा है। अब से थोड़ी देर पहले खबर निकल के सामने आ रही है कि प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री पुराने वाजपेयी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी देखना है हमें, लेकिन इस चुनावी लड़ाई में लगभग सभी राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी कमर कसी जा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन प्राइम टीवी।